नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस और मैं हूं ध्यान। सीधे लिए चलते हैं काशी में आपको, जहां इस समय जीवित पुत्रिका व्रत की धूम है। महिलाएं विधि विधान से इस व्रत को पूरा करने में जुटी हुई हैं। इस समय हम वाराणसी के शिवपुर, जो कि पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत चौथा पड़ाव है, और यहां राम भट्ट तालाब पे, रामलीला मैदान पे हैं। चारों ओर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से, व्रती महिलाएं निराजल अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना को लेकर यहां पर विधि विधान से जीवित पुत्रिका माता की कथा सुनती नजर आ रही हैं। ये गन्ने भी आप देख रहे हैं, गन्ने भी इसी पूजा के अंश हैं। गन्ना बीचों बीच है, उसके इर्द गिर्द महिलाएं अपने, आप देख रहे हैं कोई कोई महिलाएं जोड़े के साथ भी आई हुई हैं। कहा जाता है कि जोड़ा के साथ आने का मतलब क्या है, कई महिलाएं जोड़े के साथ हैं, इनसे भी जानेंगे व्रत का विधि विधान क्या है, आखिर ये व्रत इनके जीवन में क्या कुछ लेकर आता है। जी, क्या नाम है आपका? हिना जायसवाल। जी, बताने की कृपा करें कि आखिर ये व्रत है क्या, क्यों किया? ये व्रत अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और वो औरतें करती हैं जिनको कि पुत्र होता है, वो औरतें भी करती हैं अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिन्हें पुत्र नहीं होता है, वो भगवान से मनोकामना करती है कि उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो। तो आज आप अपने पति देव के साथ हैं, अन्य महिलाएं पति देव के साथ नहीं है, कोई कोई महिलाएं, ये जोड़े वाली प्रथा क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये लड़के की शादी होती है तो जोड़े के साथ बैठते हैं, या तो फिर घर में लड़का बेटा पोता जन्म लेता है तो भी जोड़े के साथ बैठते हैं। तो अभी हम लोग की शादी हुई थी तो हम लोग नहीं बैठे थे, तो अभी मेरी सासू माँ हम लोगों को जोड़े के साथ लेके बैठी है। मन्नत थी क्या ये? नहीं, ऐसी कोई मन्नत नहीं होती है, बस ये परंपरा है। क्या मतलब, शादी के पहले वर्ष ही ये? हाँ, ये पहले वर्ष भी होता है, बट किसी रीजन की वजह से हम लोग पहले वर्ष नहीं बैठ पाए थे तो दूसरे वर्ष में बैठे हैं। तो आप ये बताइए, इस पूजा में क्या क्या तैयारियाँ कितने दिनों से आप कर रही थी, और पूजा में चढ़ता क्या क्या है, क्या क्या तैयारियाँ? पूजा की तैयारियाँ तो आज सुबह से हम कर रहे थे, और पूजा में फल चढ़ते हैं, गुजिया, पापड़, पूड़ी और माला, नारियल, ये सब वगैरह चढ़ते हैं, जो कि सारी कुछ तैयारियाँ आज के दिन सुबह से ही करते हैं। बाकी सब हमने फल वगैरह की तैयारियाँ कल से कर ली थी, जो कि बहुत दिक्कत हो जाती है, सारी एक साथ नहीं हो पाती है, तो कुछ मैंने कल कर ली थी और कुछ मैंने आज करवाई है। सबसे बड़ी बात की पूजा में जो मेन चीज है, जो बेहद जरूरी है कि इसे हम पूजा की थाली में जरूर रखेंगे, वो क्या होती है? वो हम पूजा की थाली में चना और मटर भिगोते हैं रात में, जो कि बहुत ही मेन है, उसे हम लोग जरूर रखते हैं थाली में, और उसे कहानी के वक्त भी हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, और दिया एक होता है जो जलाते हैं, जिसे हम जलता हुआ घर तक लेके जाएंगे, वो दिए को बुझने नहीं देंगे, ये सबसे मेन है। चांदी का मोली में लपेटा हुआ वो क्या जूतिया है? चांदी का और सोने का जूतिया लेते हैं, तो जितने लड़के होते हैं घर में, जितने पोते लोग होते हैं, उनके हिसाब से चांदी और सोने की जूतियाँ बनवाई जाती है। तो मेरे घर में दो भाई लोग हैं, अभी तो फिलहाल मेरा बेटा नहीं है, तो जूतियाँ हैं हम लोग के चार। धन्यवाद आपके पति देव से भी। कैसा लगा आज आप जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुन रहे थे? अच्छा लगा। कितने दिनों से? तो पहली बार ही है, अच्छा लगा वैसे। और मेन ये है, पुत्र की कामना से ही पूजा होती है जीवित पुत्रिका की, और हालांकि इस परंपरा की मानवता बहुत ज़्यादा है, बहुत पूजनीय पूजा है ये, और अधिकतर जिनकी पुत्र की माता करती है अपने पुत्र के लिए कामना, या उनके आगे के किए गए अच्छे से रह सकते। आपकी मम्मी भी की होंगी आपके लिए? आपको कुल कितने पुत्र हैं अभी? मेरे तो बस एक पुत्री है अभी, अभी तो मतलब माता जी की है पूजा, ये माता जी की, हमारी पूजा तो पुत्र आने के बाद होगी। तो आपने देखा कि बेहद खुश हैं, निराजल व्रत कहा जाता है इसे, कुछ भी नहीं ग्रहण करती महिलाएं आज के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत, पुत्र की दीर्घायु, पुत्र की कामना, और जो पुत्र हैं वो हमारा परिवार सकुशल रहे। अब सीधे लिए चलते हैं आपको पंडित जी के पास, जो पंडित जी विधि विधान से कथा भी कह रहे हैं। महिलाएं उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठी हुई हैं, और बड़ी शांतिपूर्वक, बड़ी श्रद्धा के साथ विधि विधान से कथा सुनती नजर आ रही हैं। माता जी, एक मिनट हम बात करना चाहेंगे पंडित जी से। पंडित जी हमारे कैमरे की नज़र से थोड़ा सा आप
क्या नाम है पंडित जी? उमेश उपाध्याय। उमेश जी, उमेश जी, आज ये जीवित पुत्री का जो व्रत की कथा आप सुना रहे हैं जी, इसका विधि विधान क्या है, महात्म क्या है, आखिर महिलाएं इसको करती क्यों हैं? इसको महिलाएं इसलिए करती है कि अपने संतान के दीर्घायु के लिए, कि उनके संतान के जो आयु है लंबी हो। और जीवित पुत्र का इसलिए व्रत करती हैं लोग कि निराजल रह करके एक दिन पहले से ही निराजल रहती हैं, जैसे कि आज होना है तो कल रात से ही वह निराजल व्रत रहती हैं, उसके बाद वह अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए वह व्रत करती हैं। बात की जाए तो इसमें सावधानी क्या है, कौन कौन सी महिलाएं इसे कर सकती हैं और सावधानी क्या रखनी चाहिए? इसमें सावधानी ऐसा है कि जैसे इसमें कोई अन्य पारण न हो, जल न पिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है, दो व्रत जो होता है बहुत ही कठिन होता है, जीवतिया का व्रत और तीज का व्रत, ये दो व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें पंडित जी उपासना किस देवी देवता की करते हैं? छठ पूजा हम सूर्य उपासना की करते हैं, तो इस व्रत में मेन उपासना किस देवी देवता की होती है? शालिवाहन, शालिवाहन के पुत्र हैं जीवित पुत्र का, उनका यह पूजा किया जाता है। ये कब से, पुराणों के अनुसार अगर बात की जाए तो कब से? ये सदियों से चला आ रहा है, ये हमारे पूर्वज लोग सदियों से ही इस पूजा का मान्य रख रहे हैं, इसलिए हम सब भी इस पूजा को परंपरा करते आ रहे हैं। तो आपने सुना पंडित जी से जीवित पुत्रिका महात्म, और आप देख सकते हैं विधि विधान और धूमधाम की अभी हम बात कर रहे थे, तो जोड़े के साथ चले आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ चले आ रहे हैं, पुत्र की दीर्घायु व पुत्र की दीर्घायु की कामना, परिवार की शांति की कामना। आपने सुना जीवित पुत्रिका का महात्म, काशी के हर सरोवरों पे, नदी किनारे, घाटों पर इस समय जीवित पुत्रिका की धूम मची हुई है। लाइव बीएनएस के लिए ध्यानचंद शर्मा, वाराणसी।